नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल। यूनिक सिविल मींस मेक योरसेल्फ यूनिक इन सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोला, सर मुझे बीबीएस के बारे में नहीं पता है। तो मैंने सोचा क्यों ना बीबीएस की पूरी पूरी सीरीज खत्म कर दी जाए। जैसे कि मैं मैनुअल डिजाइन का भी सीरीज लेके आने वाला हूँ, आपके लिए बहुत बड़े सरप्राइज है। बस आपको कुछ नहीं करना है, शेयर बटन पे शेयर क्लिक करना है और फेसबुक और व्हाट्सएप पे दो चार लोगों को वायरल कर देना है। इसके साथ ही साथ आपको बस कंप्लीट वीडियो को देखना है और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करके जाना है। यार मैं चाहता हूँ जितने व्यूज आए उतने ही लाइक भी आए, अगर आपको अच्छा लगे तो। दोस्तों सबसे पहले बीबीएस के बारे में समझते हैं। बीबीएस होता क्या है? बीबीएस मींस बार बेंडिंग शेड्यूल। ये होता क्या है? इन बीबीएस वी कैन कैलकुलेट रेनफोर्समेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। स्टील हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें, ओके, रेनफोर्समेंट। एंड वी कैन कैलकुलेट बेंट अप लेंथ, ओके, कटिंग लेंथ, एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट इजिली इन बीबीएस, ओके। तो आज हम यही देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग बेंट अप लेंथ एंड कटिंग लेंथ एंड रेनफोर्समेंट को निकालते हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा था कि सबसे पहले स्लैब का करते हैं, बट मुझे लगा यार जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार होता है वो तैयार होता है फुटिंग से, तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग फुटिंग की बीबीएस तैयार करते हैं। और इसके बाद अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया तो मैं कॉलम, फिर बीम, फिर स्लैब और फिर खत्म करेंगे इस सीरीज को। तो चलिए इसको लास्ट तक देखिएगा और देखने का बताइएगा कैसा लगा आपको। मैंने काफी कोशिश किया और अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा कंप्लीट हम लोग इस पे पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में बताना यार। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो नाम लिख दो ना यार, क्या है ये बीबीएस? किसका? ऑफ फुटिंग। ओके जी, बीबीएस ऑफ फुटिंग। सबसे पहले बीबीएस के लिए क्या जरूरी है? फुटिंग तो बना लो, राइट। फुटिंग के बाद क्या जरूरी है? इसमें रेनफोर्समेंट तो लगा दो। कई लोग को पता ही नहीं होता कैसे रेनफोर्समेंट डालते, भैया प्लीज सीख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो सबसे पहले हमने फुटिंग बना लिया और इसको टॉप से देखेंगे तो कैसा दिखेगा वो भी बना लो भैया। ओके, मैंने ऐसे क्लिक किया, ऐसे क्लिक किया, ऐसे क्लिक। फुटिंग का कवर कितना होता है नहीं पता है? अच्छा पता है, वेरी गुड। कवर 50 mm, 50 mm ना। इसके बाद आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाया बार, तो हमने ले लिया इसको 12 mm, कितना ले लिया 12 mm। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ले लिया हमने, कितना ले लिया, चलो ले लिया 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? 150 सेंटर टू सेंटर, डाया बार भी मिलेगा, कवर भी मिलेगा और इसका डिस्टेंस भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि x ये x डायरेक्शन है और ये क्या है y डायरेक्शन। x में कितना डिस्टेंस है इसका, तो चलिए मैंने ले लिया x में डिस्टेंस 2.5 मीटर, y में ले लिया हमने कितना 1.5 मीटर। 1.5 मतलब 1500, 2.5 मींस 2500, राइट। अब चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमको इसको बीबीएस निकालने में, बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने में। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप जो उसमें होता है, दैट इज इफेक्टिव स्पैन। क्या होता है इफेक्टिव स्पैन, कैसे निकालते हैं देख लो भैया। इफेक्टिव स्पैन फॉर एक्स डायरेक्शन, एक्स के लिए इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन क्या? जो रियल रेनफोर्समेंट का डिस्टेंस है, दैट स्पैन है, उसका साइज क्या है? टोटल क्या है 2500, तो लिख दो यार 2500 माइनस कवर फ्रॉम दिस साइड, कवर फ्रॉम दिस साइड कितना 50 50। कैलकुलेट कर दिया कितना आया 2400 mm, 2400 mm, राइट।
तो आपको याद रखना है कि x डायरेक्शन में आपका कितना हो गया 2400 mm, राइट। ये मीटर में कितना आएगा 2.4 मीटर। अब इसके बाद आप निकाल लो इफेक्टिव स्पैन फॉर y डायरेक्शन। y डायरेक्शन के लिए निकालने के लिए बड़े आसान है, क्या है 1.5 मतलब 1500 माइनस 50 कवर फ्रॉम दिस साइड 50 फ्रॉम दिस साइड 50 आ गया, कितना आ गया ये 1400 mm या 1.4 मीटर, राइट। तो हमने क्या निकाल लिया, सबसे पहला काम इफेक्टिव स्पैन, प्लीज लिख लीजिएगा। x के लिए कितना 2.4, y के लिए कितना 1.4 लिख लिया क्या, प्लीज जल्दी से लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं। इफेक्टिव स्पैन निकालने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है दोस्तों, दैट इज नंबर ऑफ बार। क्या होता है नंबर ऑफ बार, ये निकालना बड़ा आसान है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, इफेक्टिव स्पैन बाय स्पेसिंग्स प्लस वन, जगह नहीं है तो इफेक्टिव स्पैन बाय स्पेसिंग्स प्लस वन, समझ आया क्या। चलिए और एक्स डायरेक्शन, चलो एक्स के लिए निकाल लेते हैं क्या नंबर ऑफ बार। एक चीज ध्यान देना है, x के लिए नंबर ऑफ बार निकालोगे मतलब ये x है ना, इसके लिए नंबर ऑफ बार निकालोगे तो आपको इफेक्टिव स्पैन y का लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि x का बार किधर जाता है, y की तरफ जाता है ना, और y का बार किधर जाता है, x में जाता है, तो यहाँ पे वाइस वर्सा हो जाता है। मतलब नंबर ऑफ बार अगर हमको निकालना है तो इफेक्टिव स्पैन हमको y का x में, x का y में, तो अभी हम किसका निकालें, x का, x का मतलब y का निकालना पड़ेगा। y का कितना था इफेक्टिव स्पैन, पीछे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1400, उसके बाद क्या स्पेसिंग, स्पेसिंग कितनी थी, स्पेसिंग थी 150, उसके बाद प्लस 1, भैया कैलकुलेट कर दो, चलो 1400 प्लस 150 कितना आ गया, ओके सॉरी 1400 मैंने प्लस कर दिया था 150 ओके प्लस 1 10.33, चलो इसको इक्विवेलेंट ले लिया किसके 11 के, तो कितना बार लगेगा आपको 11 ओम्स, राइट, किसके लिए x के लिए। चलो आप कैलकुलेट करते हैं y के लिए, y डायरेक्शन क्या, इफेक्टिव स्पैन क्या रखेंगे, इफेक्टिव स्पैन तो वही रख देंगे क्या, x वाला 2400, स्पेसिंग कितना रखेंगे 150 प्लस 1, कैलकुलेट करो यार इसको भी, चलो इसको कैलकुलेट किया तो आ गया ये 2400 डिवाइड बाय 150, तो आ गया ये 16 प्लस 1 मतलब 70। चलो भैया y के लिए कितना बार लगेंगे आपको 17 और x के लिए कितने लगेंगे आपको 11, तो लिख लो यहाँ पे कहीं पे x के लिए 11 एंड y के लिए 17, क्लियर हो गया क्या। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था। अब इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, कटिंग लेंथ, क्या निकालना पड़ेगा कटिंग लेंथ, चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या प्लीज नोट डाउन कर लो तैयारी यहाँ पे भेजे में चला जाएगा। ओके, क्या निकालना है आपको कटिंग लेंथ। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है कटिंग लेंथ, चलो पहले एक का निकालते हैं और x निकालते हैं और फिर उसके बाद y के, तो आप अपने आप सब समझ जाओगे। कटिंग लेंथ मतलब दोस्तों ये लेंथ, कटिंग लेंथ। तो कटिंग लेंथ के लिए जो सबसे ज्यादा चीज, अब इसको अगर आप 3D में देखोगे, आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, 3D में देखोगे तो ये जो होगा ये एक इधर साइड में होगा, एक पीछे साइड में, उधर वाला एक पीछे और एक, मतलब ये रेक्टेंगल होगा ना एक तरीके से, तो रेक्टेंगल में चार साइड होंगी ना, तो इसी जो साइड के लिए जो कटिंग लेंथ होता है यही हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो कर लेते हैं, कटिंग लेंथ के लिए क्या निकालना है, इफेक्टिव स्पैन, इफेक्टिव स्पैन, फिर क्या करना है, फिर बेंड कितना हुआ है यह भी तो निकालना पड़ेगा, तो निकाल दो भैया बेंड, फिर जो बेंड हुआ उसमें डिडक्शन कितना हुआ, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा आपको बेंड डिडक्शन, बेंड डिडक्शन, चलो लिख दो यार। इफेक्टिव स्पैन कितना था किसके लिए, एक्स के लिए था 2400 माइनस प्लस बेंड, अब बेंड कैसे निकालोगे, ये कितना है 300
माइनस कवर कवर दोनों साइड कितना आ गया 50 50, राइट। मैंने बोला ये एक्स के लिए, एक्स दो साइड से होगा, एक इधर से होगा एक इधर से होगा, मतलब टू टाइम्स लगा दिया, राइट। अब इसके बाद माइनस करना है, क्या माइनस करना है, माइनस करना है बेंड डिडक्शन। बेंड डिडक्शन क्या होता है दोस्तों, बेंड डिडक्शन मतलब अगर ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है तो आपको याद रखना है 90 डिग्री के लिए बेंड डिडक्शन होता है 2d, क्या होता है 2d, इधर से भी मतलब दो साइड से 2d। तो 2d के लिए क्या करना है आपको, यहां लिख दो 2 into d, d क्या है डाया 12 mm फॉर बोथ साइड्स, ओके, into इधर है तो इधर भी होगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, तो इसको कैलकुलेट किया तो 2400 ये आ गया कितना 200 400, मतलब 400 प्लस 2400 टोटल कितना आ गया, ये 2800, और 2800 में ये कितना आ गया 48, सो 2400 माइनस 48 ये आ गया, ये 24 प्लस 400 आ गया ना 2800 माइनस 48, ओके ये आ गया 2752 mm, मतलब मीटर में कितना है भाई 2.75 मीटर। ये किसके लिए हो गया कटिंग लेंथ, ये हो गया कटिंग लेंथ x डायरेक्शन के लिए, समझ में आया क्या, अगर हाँ तो इसको तुरंत लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो और हम चलते हैं आगे। मैं इरेज कर रहा हूं, कटिंग लेंथ किसके लिए, एक्स के लिए। चलो अब वाई के लिए लिख देते हैं, तो वाई के लिए निकालने के लिए यहाँ को वाई, और इसके लिए फॉर्मूला लिख दो, क्या फॉर्मूला है, इफेक्टिव स्पैन, इफेक्टिव स्पैन ओके माइनस प्लस बेंड माइनस बेंड डिडक्शन, बेंड डिडक्शन इफेक्टिव लेंथ स्पैन बताओ फटाफट, वाई के लिए कितना था 2400 ओके प्लस बेंड, बेंड के लिए क्या सेम फॉर्मूला 300 माइनस 50 माइनस 50 दोनों डायरेक्शन से तो 2 माइनस बेंड डिडक्शन, बेंड डिडक्शन क्या था आपका, मैंने बोला जब ये 90 रहेगा तो बेंड डिडक्शन होगा 2d, सो 2 इनटू डाया बार इनटू दोनों साइड से है तो 2, कैलकुलेट कर दो कितना आएगा, ये तो वही 50 50 मतलब 1800 माइनस 48 कितना आ गया 1752 ओके 1752 मतलब अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ गया, ये एमएम में है 1.75 मीटर, लिख दो इधर 1.75 मीटर। चलो कटिंग लेंथ आ गई हमारी, राइट, इफेक्टिव स्पैन आ गया, नंबर ऑफ बार आ गया, राइट। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बस एक चार्ट बनाना है, आपका काम खत्म, समझ आ गया ना इतना, कोई प्रॉब्लम। आपको वीडियो में जो क्लिप आपको सबसे अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके जरूर जाना यार, अगर आप कमेंट करते हो ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं दूसरा टॉपिक और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, सो कमेंट जरूरी है यार। अब मैं चार्ट बना के फिर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टेबल आपके लिए तैयार कर दी है, थोड़ा दिक्कत दे हो गया, ये थोड़ा कट गया क्योंकि जगह नहीं थी, कोई बात नहीं। चलिए अब फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी स्टील लगी थी। सबसे पहला है टाइप ऑफ बार, टाइप ऑफ बार ओके। दूसरा है यहाँ पे डाया, टाइप ऑफ बार मतलब एक्स के लिए कि वाई के लिए, डाया कितने एमएम के थे, कितने बार लगाए, लेंथ क्या था, एक बार का लेंथ क्या था, टोटल लेंथ यहाँ पे टीएल मैंने लिख दिया शॉर्टकट पे, टोटल लेंथ कितना आया उस बार का, उसके बाद वेट, उसका वेट कितना आया, टोटल वेट कितना है पूरे बार का, खत्म, बस यही निकालना है। तो कैसे निकालोगे दोस्तों, सबसे पहले एक्स के लिए निकालते हैं, टाइप ऑफ बार एक्स के लिए, एक्स के लिए आपको क्या करना है, डाया, डाया कितना था 12, नंबर ऑफ बार कितने थे, अब देखो मैंने इसीलिए लिख रखा था यहाँ पे कितने हैं भैया हमारे 11, लिख दो 11, लेकिन लेंथ कितनी थी उनका, लेंथ कितना था, एक्स डायरेक्शन के लिए लेंथ क्या हमारा है 2.75, तो लिख दो यहाँ पे
2.75 मीटर ओके। उसके बाद टोटल वे टोटल लेंथ कितना आएगा, इतना इनटू इतना ओके, तो आ गया 2.75 इनटू 11 कितना आ गया 30.25 या 30 भी लिख सकते हो ठीक है। अब उसके बाद वेट, वेट निकालना बड़ा आसान है कैसे, आपको डाया पता है ना कितना है 12, और 12 डाया मतलब अगर आपको इसका वेट निकालना तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर बाई 162.2, किसी भी डाया अगर आपको पता है उसका फॉर्मूला, आप उसका वेट निकालना फॉर्मूला, तो डी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना आ गया, 12 का स्क्वायर 144 डिवाइड बाई 162.2 ठीक है, कितना आ गया 0.887 या 0.897 लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 0.89 स्टील का वेट आपका आ चुका है राइट। अब इसके बाद आपको कितने स्टील के लिए निकालना है, 11 के लिए निकालना है, तो 11 इंटू 0.89 ठीक है, तो कितना आ गया ये 9.79, कितना आ गया भाई 9.79, ये आपको नहीं दिख रहा होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना है 9.79, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया x के लिए। चलो फटाफट y के लिए कर लेते हैं, y डाया बार ये था, नंबर कौन सा नंबर इतने इसमें कितने थे, अब ये y के लिए कितने नंबर हमारे थे 17 ले लिया, लेंथ कितना था y के लिए, लेंथ था y के लिए यस 1.75 देखो बहुत ईजी है यार, कुछ करना ही नहीं इसमें, टोटल लेंथ इतना इंटू इतना, अब कैलकुलेशन देख लेना मैं इतना नहीं कि कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया सर ऐसा कुछ नहीं, आप कैलकुलेट कर लो, मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ 1.75 कितना आ गया 29.75 ओके। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, जो भी वैल्यू आए वो आपका क्या आ जाएगा, ये वेट आ जाएगा ठीक है, ये वेट तो आपका यही आएगा, ये जो वेट आएगा यहाँ पे टोटल वेट जो आएगा इतना इंटू इतना जो आएगा, तो 17 × 0.89 मतलब 0.89 कितना आ गया 15.1। चलो भैया आपका स्टील आ चुका है, फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है, आप खुद से कैलकुलेट करो, ये वैल्यू मैंने रैंडम लिया है, ये वैल्यू मैंने रैंडम लिया है ठीक है, 2.5 मीटर मेरे दिमाग में आया, 1.5 दिमाग में आया मैं रखा, आपको जो वैल्यू मिला है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर दो। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, ये ऐड कर दोगे तो आएगा 9.79 प्लस 15.13 तो ये आ गया आपका 24.92 kg। ये क्या हो गया, ये आपका स्टील लगा। अब ये स्टील के अकॉर्डिंग आपको इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे तो वहां पे 5% वेस्टेज जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं 5% वेस्टेज, क्यों आप समझ गए होगे, क्योंकि वहां पे कुछ स्टील खराब भी होते हैं, तब इसका 5% निकाल दो ठीक है, इसका जब 5% निकाल दोगे तो 5% निकालोगे तो क्या होगा, अब 5% इंटू तो टोटल हमारा स्टील आ गया, तो हमेशा किसी भी स्टील का आप निकालोगे 5% ऐड करके ही आपको निकालना है, तो इसका 5% निकाल दो कितना आएगा 24.92 डिवाइड बाई 100 इंटू 5 ये आ गया 1.24 kg, कितना आ गया 1.24 kg, ये वेस्टेज है टोटल, अब बता दो इनको टोटल 1.4 और ये ऐड कर दो प्लस 24.92 ऐड कर दिया, ऐड किया तो कितना आ गया दोस्तों ये 26.16 kg फाइनल आंसर आपका, 26.16 kg आपका फाइनल आंसर आ गया ना, कितना इजी था, बहुत इजी था ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, पहला स्टेप क्या था इफेक्टिव स्पैन निकाल लो जो भी आपका इफेक्टिव स्पैन है, दूसरा स्टेप क्या था नंबर ऑफ बार निकाल लो, निकाल लिया, तीसरा स्टेप क्या था कटिंग लेंथ निकाल लो, चौथा स्टेप क्या था एक बार बना लो क्या टाइप ऑफ बार डाया नंबर लेंथ टोटल लेंथ वेट टोटल वेट खत्म, वेट कैसे निकालना है डी स्क्वायर बाय 162, इजी था ना दोस्तों, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही सेम टू सेम आपको बीम का भी करना है और कॉलम का भी करना है स्लैब का भी। अब आप ये बताओ आपको चाहिए क्या बीम कॉलम स्लैब, मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप बताओगे, जो सबसे ज्यादा कमेंट जिस चीज के लिए रहेगा उसको पहला टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि फुटिंग का ज्यादा टॉपिक लोगों ने कमेंट किया तो मैंने फुटिंग पहले बनाया।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। ये वीडियो जब आप कुछ काम का पढ़ोगे ना तो थोड़ी सी बड़ी वीडियो आती है, तो आप यहाँ तक वीडियो देखे इसका मतलब आप बहुत समझदारी समझ रहे हो और आप आगे जरूर जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो अगर आप कंप्लीट देख रहे हो मतलब अगर आप ना थोड़ा सा कॉमेडी वोमेडी से थोड़ा सा बाहर गए हो, थोड़ा सा अच्छे जगह आके थोड़ा पढ़ रहे हो, थोड़ा नॉलेज ले रहे हो, नॉलेज लिया बहुत अच्छी बात है, इसको साथ ही साथ आप शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।